दोस्तों, मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रीजनिंग की इस कंप्लीट सीरीज में हमने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ टाइप देखे हैं। अब मैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपके सामने लिखा है, अगर हम लव को इस तरह से कोड करते हैं तो आप बताइए राइट्स का कोड क्या होगा। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप फटाफट कमेंट करके मुझे अपना आंसर बता सकते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं आपको बताता हूँ, इसका जो टोटल होता है वो टोटल होता है 54। आपने जब इनकी रैंकिंग लिखी, एल की रैंकिंग 12, ओ की 15, वी की 22 और ई की 5। जब आपने इनकी टोटल रैंकिंग लिखी और इनका टोटल किया, 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 05, इनका टोटल आपके सामने कितना आया था? 54। कितना टोटल आया था? 54। और जब आपने इस 54 का एवरेज निकाला, आई होप आपको एवरेज निकालना आता होगा। 54 का एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी मान लो आपके सामने लेटर्स दिए गए हैं उनका डिवाइड कर देते हैं तो आपके सामने आता है 13.5। सेम इसी तरीके से आपको इसका एवरेज निकालने के लिए कहा जाए तो आपको मालूम है, जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, अभी हमने इसका टोटल करना पड़ेगा पहले इसकी रैंकिंग का, तो रैंकिंग आपको मालूम है, आर की रैंकिंग कितनी होती है? 18, आई की रैंकिंग 9, जी की रैंकिंग 7, एच की 8 और टी की रैंकिंग 20 और एस की 19। कितनी होती है? 19। और जब आप इसका टोटल करोगे तो आपको मालूम टोटल आएगा 81। और इस बार अपने पास जो लेटर्स की नंबर हैं 1, 2, 3, 4 ना होके यहाँ पे 6 हैं, और जब आप 81 में 6 का डिवाइड करोगे तो आप हमें जो आंसर आएगा वो सेम 30.5 रहने वाला है। ठीक है, ऐसे अगर आपके सामने अदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें एक बार यूं चेक करके देख लेना कहीं एवरेज ना निकाला गया हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने है, अगर हम लव को 216 कोड करते हैं तो आप बताइए राइट्स को कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ पे लव का जो कोड किया गया है वो है 54 × 4, यानी जो इसका टोटल है उसको इनके नंबर से, जितने भी लेटर्स इसमें यूज किए गए हैं उनसे मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे ही आप राइट्स को कोड करोगे तो आपके सामने जो आंसर रहने वाला है वो आएगा 81 × 6। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा 4, 8 और 6 आपका आंसर रहने वाला है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको प्रैक्टिस से आपकी आसान हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने है कि अगर हम लव को 3, 6, 4, 5 कोड करते हैं तो आप बताइए राइट्स को कैसे कोड करोगे। तो इसमें जो टाइप लगने वाला है, सबसे पहले आपको वही कि इनकी रैंकिंग आनी चाहिए, किस तरह से एल की रैंकिंग 12 है, ओ की 15 है, वी की 22 है और ई की 5 है। इसने क्या किया, इनकी रैंकिंग का टोटल किया, यानी 2 और 1 को लिख दिया 3, 15 में 5 और 1 को लिख दिया 6, 22, 2, 2, 4, 5 का 5। तो ऐसे ही हम जब राइट्स की अगर हम रैंकिंग का टोटल करेंगे तो आर की रैंकिंग आपको मालूम है 18 है, तो 18 का अगर हम टोटल करते हैं तो 9 आता है। और उसी तरह जब हम आई की रैंकिंग तो हमें मालूम ही है 9 है। फिर हम जब जी की करें तो 7, एच की करें तो 8, क्योंकि इनमें डबल डिजिट नहीं है तो इनका टोटल होना ही नहीं है। 20 का करें तो 2 और 19 का करें तो 10। ये आसान सा टाइप है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लव को अगर इस तरह से कोड किया जाता है, लव को अगर आप ऐसे कोड करें तो राइट्स का क्या कोड होगा। तो ये उसी तरह का एक अगला टाइप है कि जब हमने एल को 12 लिखा था, इस बार देखो 12 का टोटल तो 6 नहीं होता, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एल का अपोजिट लिया, यानी एल का अपोजिट क्या होता है? 15, यानी एल का अपोजिट ओ है, ओ की रैंकिंग 15, ओ का अपोजिट एल, एल की रैंकिंग 12, वी का अपोजिट ई और ई की रैंकिंग 8, और ऐसे ही जब ई का अपोजिट करोगे तो उसकी रैंकिंग आएगी 22। अब इनका जब टोटल करेंगे तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, 0 और ये यहाँ पे मिस्टेक है, आप यहाँ पे इसको 8 कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है कि वी का अपोजिट 8 ना होके कितना होएगा? 5, और यहाँ पे 5 सही था, 0 और 5 5, ई 2 और 2 4। तो ये इसकी इस तरह से टाइप में इसने कोडिंग किया। तो इसको अगर हम इसकी देखें तो आर का अपोजिट आई होता है, आई की रैंकिंग कितनी होती है? 9, आई का अपोजिट आर होता है, आर की रैंकिंग 18, 8 और 1 9। वैसे आगे चले तो जी को आपको मालूम है 0 और 7, एच का 0, यहाँ पे देखो इसने ये गलती मत करना, इसने यहाँ पे इनको 0 नहीं लिखा था, तो आपको भी इनमें 0 नहीं लगाना, केवल 7 आपको यहाँ पे लिखना है।
और फिर जब हम 8 को लिखेंगे तो सीधा 8 लिखेंगे, 08 ना लिखेंगे, टी का 2 लिखेंगे क्योंकि 20 होता है और 20 की टोटल करें तो 2 और 0 2 ही रहेगा। एस 19 पे है तो 1 और 9 10 हो जाएगा। तो ये टाइप था सिंपल सा, इसके आगे चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने है, अगर हम लव को इस तरह से कोड करते हैं तो आप बताइए राइट्स का कोड क्या होगा। तो जब हम लव की कोडिंग देखें तो इसमें क्या किया, इसने एल का जो रैंकिंग थी वो 12 थी, ओ की 15 थी और वी की 22 थी और ई की 5 थी। आप जब ध्यान से देखें तो यहाँ ये जो टाइप आपको मैंने पहले भी करवाया है, ऑड और जो इवन है उनको 2 से डिवाइड किया गया, जो ऑड है उसमें +1 किया गया, इवन को डायरेक्ट डिवाइड किया गया। यहाँ पे एक और टाइप बनता है जहाँ पे ऑड को -1 करके भी आप क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने बताइए कौन सा ऐड किया गया है या फिर माइनस किया गया है। आपने देखा कि 12 में जब हमने 12 क्या था, इवन था, इवन में 2 का डिवाइड किया तो 6 आ गया। फिर है ओ 15, 15 क्या है, ऑड है, तो ऑड में इसने क्या किया, 15 + 1 16 में जब इसने 2 का डिवाइड किया तो आपके सामने आंसर आया 8। इसने 8 रैंकिंग दी है ओ को। 22 का किया, 11 आ गया क्योंकि इवन था, डायरेक्ट 2 को 2 से डिवाइड कर दिया। ई की रैंकिंग थी वो ऑड में थी तो इसने प्लस किया है क्योंकि 5 और 1/2 तो 6/2 = 3। तो ये इस तरह से इसका ये टाइप रहने वाला है और ये आसान सा इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया। आप इस टाइप का जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला टाइप अगर हम देखें तो सेम रहने वाला है। मैंने आपको पिछले टाइप में बताया कि एल की रैंकिंग 12 है, ओ की 15 है, वी की 22 है, ई की 5 है। सेम है ओड और इवन का सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो होगा कि जो इवन है उसको 2 से डिवाइड कर दो और जो ऑड है उसमें -1 करके 2 से डिवाइड कर दो। देखो ओ क्या था, 12 में से 12 इवन था तो 2 से डिवाइड किया, 6 आया। ओ 15 जो कि ऑड था, अब इस बारी पहले हमने 15 + 1 = 16 किया था, यहाँ पे आप क्या करोगे, 15 - 1 = 14/2 जो कि क्या रहेगा आपका 7। तो आपने देखो 7 रैंकिंग इसको दे दी। फिर हमने किया 22 जो कि इवन था, डायरेक्ट 11 लिख दिया। ओ 5 में से जब हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर इसका 2 रहने वाला है। इसका भी आप मुझे आंसर कमेंट करके बता दो। आपको टाइप समझ में आ गया होगा आई होप। अगले टाइप पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान है कि इसने क्या किया, डायरेक्ट इसकी जितने भी लेटर्स यूज किए गए उसकी उसके टोटल को, यानी जितने भी इसको इंडिविजुअली लेटर्स यूज हैं उनको लिख दिया। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 थे, यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसका क्या आ जाएगा, 0, 6, ना कि 6। अगर आप 6 लिख के करते हो तो ये गलत होता है क्योंकि इसने पहले 0 लगाया है तो आपको भी 0 लगाना बनता है। अगले टाइप पे अगर हम चलते हैं तो अगला जो टाइप है वो है क्लास को अगर आप इस तरह से कोड करते हैं तो आप बताइए मॉर्फ का क्या कोड रहने वाला है। अब आपको मालूम है क्लास जो है, क्लास की अगर हम रैंकिंग देखें तो सी की रैंकिंग 3 होती है, ठीक है। अगर हम सी के अपोजिट की रैंकिंग देखें, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और एक्स की रैंकिंग क्या होती है, 24। ऐसे ही एल का अपोजिट ओ और ओ की रैंकिंग 15। ए का अपोजिट जेड और जेड की रैंकिंग 26 और एस और जेड की रैंकिंग 26 ये देखो, और एस और एस दोनों एच एच होंगे, एच की रैंकिंग 8 और 8। इसने 0 नहीं लगाया तो आपको भी 0 का यूज नहीं करना। तो सिंपल सा इसने क्या किया, इसने जो भी लेटर का यूज किया गया था उसका अपोजिट लिखे उसकी रैंकिंग, यानी एम का अपोजिट क्या है, एन, और एन की रैंकिंग क्या होगी, 14। ओ का अपोजिट एल और एल की रैंकिंग 12। आर का अपोजिट आई और आई का, देखो यहाँ पे इसने 0 नहीं लगाया ना, देखो यहाँ पे 0 नहीं लगाया तो आपको भी क्या करना है, 0 नहीं लगाना। आर का अपोजिट आई और आई की रैंकिंग 9, यूं का यूं लिख देना है। पी का अपोजिट क्या होता है, के की रैंकिंग क्या होती है, 11। एच का देखे तो एच के अपोजिट एस की रैंकिंग 19। तो ये आपका कोड हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं, आपके सामने लिखा है कि वेंट को इस तरह से कोड किया जाए तो आप बताइए कि कर्ड का क्या कोड होगा। आपको मालूम है कि डब्ल्यू की रैंकिंग 23, ए की रैंकिंग 1, एन की 14, डी की 4। इसने क्या किया, एन में +1, ए में अगर ए को देखें तो यूं का यूं लिख दिया और इसमें +1, इसमें -1। तो इसने डायरेक्ट क्या किया,
कि एक बार प्लस वन किया, एक बार माइनस वन किया। आप जब ध्यान से देखोगे तो ये जो इसने वन लिखा है, ये इलेवन तो इसका है, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे ये वन नहीं है, जीरो है। यानी ए से इसने क्या किया, माइनस वन किया है। यानी जब इसने 23 में प्लस वन किया 24 आया, ए में से माइनस वन किया तो जीरो आया, 14 में प्लस वन किया तो 15 आया, और 4 में से माइनस वन किया। यानी इसने क्या कोडिंग, क्या पैटर्न यूज़ किया है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। तो आपको सेम करना है, सी में प्लस वन कर दो, यू में माइनस वन कर दो, आर में प्लस वन कर दो, डी में माइनस वन कर दो। सी की रैंकिंग कितनी है, सी की रैंकिंग 3 है, 3 और 1 4। यू कितने पे आता है, 21, और 21 में से एक गए 20। आर कितने पे, 18 पे, 18 और एक 19। इसके बाद डी की रैंकिंग 4 में से एक गया 3। ये आपका कोड हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं, अगले टाइप में क्या है, अगर बैक को इस तरह से कोड किया जाता है तो आप बताइए केक को आप कैसे कोड करेंगे। तो जब हमने बैक को देखा तो बी की रैंकिंग देखो क्या है, बी की रैंकिंग है 2, ए की रैंकिंग 1, सी की रैंकिंग 3 और के की 11। तो अभी हमने देखा कि इसी रैंकिंग को उल्टा करके लिखा गया, यानी जो 11 था उसको सबसे पहले लिख दिया, 3 को फिर यहाँ, फिर 1, फिर 2। अब आप इसी तरह केक की रैंकिंग आपको मालूम है, सी की रैंकिंग 3 है, एक की 1 है, के की 11 है और एक की 5 है। देखो इसने 0 का यूज़ नहीं किया इनकी रैंकिंग में, तो आपको यहाँ पे 0 का यूज़ नहीं करना वरना ये गलत हो जाएगा। ई को सबसे पहले ले आओ, 5, 11, 1 और 3, ही आपका कोड हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं और आज की वीडियो का ये लास्ट टाइप होने वाला है कि अगर आप मार्केट को इस तरह से कोड करते हैं 11, 05, 20, 1, 3, 0, 11, 8, तो आप बताइए फ्लावर को कैसे कोड करोगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका अगर आपको टाइप समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। अगर आपको सही समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर से ये वीडियो में एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक करो, कमेंट करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।